नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे C++ लैंग्वेज में क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं जिनके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उनमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू है वो डिस्कस किया है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ऑब्जेक्ट क्लासेज, इनहेरिटेंस, रीयूजिबिलिटी, न्यू डेटा टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग और ऑप्स के बेनिफिट्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद में C++ प्रोग्रामिंग है, उसका ओवरव्यू, उसके डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, मैनिपुलेटर्स, सी इन सी आउट, कमेंट, असाइनमेंट, इफ, स्विच, लूप्स, फंक्शंस, इनलाइन फंक्शंस, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। आज की इस क्लास में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेज, क्लास और उसके मेंबर्स। C++ से पहले आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले आपको सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, ईजी है और मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस उसको कहा जाता है। सी लैंग्वेज सीखने के बाद में आपको C++ इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, आप बहुत ही ईजी वे में इसको सीख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली C++ सीखेंगे, C को स्किप कर देंगे, सीधा यहाँ जंप करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा सीखना। तो पहले आप सी लैंग्वेज को अच्छे से सीखें, उसके बाद में C++। सी लैंग्वेज के अंदर ही हमने नए फीचर्स जोड़े और C++ लैंग्वेज बनाई। C++ प्रोग्रामिंग है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को जोड़ना। सी लैंग्वेज में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को जोड़ा और एक नया वर्जन बनाया, उसको हमने नाम दिया C++। क्लासेज है वो मेन फीचर होता है C++ लैंग्वेज का, क्योंकि क्लास को यूज करने पर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का समर्थन करती है C++ लैंग्वेज। क्लास को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोल सकते हैं, मतलब उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा। देखिए, डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनबिल्ट होता है या सिस्टम डिफाइंड होता है, जो कि जब लैंग्वेज बनाई गई थी उस टाइम पर डिफाइन कर दिया, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। और उसके अलावा यूजर को अधिकार दे दिया गया कि आप भी जैसी आपको ज़रूरत पड़ती है वैसा डेटा टाइप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो C++ एक ऐसा ही फीचर है C++ में क्लासेज। क्लासेज को यूज करते हुए एक प्रोग्रामर अपने ज़रूरत के हिसाब से एक नया डेटा टाइप बना सकता है। हो सकता है कि जो इनबिल्ट डेटा टाइप हैं उनसे काम हमारा नहीं चल रहा है, हमें नया प्रकार का डेटा टाइप बनाना है, तो हम बना सकते हैं क्लास के थ्रू। क्लास से पहले हमने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर और यूनियन पढ़ा था, वो भी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन थी कि उनमें हम सिर्फ डेटा टाइप्स ही रख सकते थे, उसके अंदर फंक्शंस नहीं रख सकते थे। तो उसको और इम्प्रूव करके हमने क्लासेस बना दी, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स के साथ साथ में फंक्शंस को भी हम रख सकते हैं। तो
तो क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेन कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए, जैसे आपने बोला कि क्लास, क्लास का मतलब हिंदी में हम बोले तो वर्ग, ठीक है, वर्ग या कक्षा। तो जैसे फ्रूट है, फल है, वो क्या है, कक्षा है। मैं आपको बोलूं कि फल है, उसको आपने देखा है, फल फ्रूट को देखा है आपने, तो आपने फल या फ्रूट को नहीं देखा है, नहीं आपने कभी टच किया है, और नहीं आप उसका आकार बता सकते हो कि कैसा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मैंगो आम या बनाना केला या ऑरेंज संतरा, इन चीज़ों को आपने देखा होगा, इनका कलर भी आप बता सकते हो, इनकी शेप भी आप बता सकते हो। तो ये क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं और फ्रूट है, फल है, वो क्या है, क्लास है। तो क्लास क्या होती है, वर्चुअल होती है, उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। इसको अच्छे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार है, कार क्या है, क्लास है, और इसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, टाटा की कोई कार है स्पेशल, कोई टाटा सफारी है या टाटा नेक्सॉन है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए इसके। महिंद्रा है, तो महिंद्रा की एक्सयूवी है, टीयूवी है, तो ये गाड़ियाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जीप है, जीप के भी जैसे कोई पर्टिकुलर मॉडल है, तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप कार बोलोगे सिर्फ, तो कार क्या है, अपने आप में एक क्लास है। कार का मतलब ये हो गया कि उसके कुछ फीचर्स हो गए कि उसमें चार टायर होंगे, चार पांच या उससे ज़्यादा सात आठ लोगों के बैठने की जगह होगी, ठीक है, क्लच, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग वगैरह, ये सारी उसकी विशेषताएं होंगी। क्लास क्या होता है, अपने आप में एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट है वो क्लास का एक उदाहरण होता है। जब ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं तो क्लास के जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं वो उस ऑब्जेक्ट को विरासत में मिलते हैं। हमने एक क्लास बना ली तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं वो उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, 5, 10, 20, सबके पास अवेलेबल रहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कार, कार के फीचर्स होते हैं कि कार में चार टायर होंगे, क्लच होगा, ब्रेक होगा, गियर होगा, स्टीयरिंग होगा, बैठने की सीट होगी, और भी खूब सारे फीचर्स होंगे। तो ये कार क्या है, क्लास है, इसकी कुछ विशेषताएं हो गई, कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसके ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, टाटा की कार, महिंद्रा की कार, जीप की कार। तो आप किसी भी कंपनी की कार में ले लो, जो ये कार की जो विशेषताएं हैं वो तो सब में रहेगी। आप कोई भी कंपनी की कार लेके आओ, उसमें चार टायर मिलेंगे आपको, बैठने के लिए सीट रहेगी उसमें, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, वो सब में रहेगा। इसका मतलब कार की जो विशेषताएं थी वो उसके हर एक ऑब्जेक्ट में होगी, वो तो कॉमन होगी। C++ में क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स, तो जैसा कि हम जानते हैं C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और C++ में सब कुछ में मतलब उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स वो उसकी क्लासेज और ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कार का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वास्तविक जीवन में कार अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कार मैंने बताया ना, टाटा की कार या जीप, किसी भी कंपनी की कार होती है, वो अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है।
अब कार जो हमारी क्लास थी उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, जैसे कि उसमें कुछ वजन होगा, इसका वजन कितना है, कितने किलोग्राम है, उसका रंग कौन सा है, और फिर उसमें कुछ तरीके होंगे, जैसे गियर होगा, उसमें ब्रेक होगा। तो जो ये विशेषताएं और तरीके हैं वो अपने आप क्या होंगी, उनके सारे ऑब्जेक्ट्स में विद्यमान होगी। किसी भी कंपनी गाड़ी ले लो, उनमें सब में हर एक गाड़ी का कुछ ना कुछ वजन भी होगा, उसका रंग भी होगा, हर एक गाड़ी में गियर भी होंगे, ब्रेक भी होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे नीचे हम इस टेबल में जो डायग्राम बना रखा है उससे देख सकते हैं कि जो हम जिनको विशेषताएं बोल रहे हैं या एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और जिसको हम मेथड बोल रहे हैं, तरीके या विधियाँ बोल रहे हैं, वो होते हैं फंक्शंस। कैसे, जैसे गाड़ी का मैंने क्या बताया, कलर होगा या वजन होगा, तो वो वेरिएबल हो गए। कि कलर, कलर क्या हो गया, एक अपने आप में वेरिएबल हो गया। उस कलर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रेड कलर की गाड़ी हो सकती है, वाइट कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है। वैसे ही उसका वजन कितना किलोग्राम है, तो वो भी क्या हो गया, अपने आप में एक वेरिएबल हो गया। तो एट्रीब्यूट्स हैं वो बन जाएंगे वेरिएबल्स, और जो मेथड्स हैं वो फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, मेथड क्या हो गया, उसका गियर कैसे काम करेगा, उसका क्लच कैसे काम करेगा, ब्रेक कैसे काम करेगा। तो जहाँ काम करने वाली बात आ गई, वहाँ पर फंक्शन हो गए। और कहीं वैल्यू की बात कर रहे हैं सीधा, कि उसका कितना किलोग्राम वजन है, कितना कैसा उसका कलर है, तो वो वेरिएबल में आ गया। तो ये जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास के मेंबर्स बोलते हैं। कभी आपसे पूछे कि क्लास के मेंबर्स क्या होंगे, तो क्लास के मेंबर में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वेरिएबल होता है या फंक्शन होता है। फंक्शन को हम मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर कई कई लैंग्वेजेस में रूटीन, सब रूटीन भी इनको बोलते हैं। एक क्लास है, उसको हमने क्या बताया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बताया है हमने। इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। और क्लास को हम एक तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसका एक ब्लूप्रिंट या उसका एक खाका मान सकते हैं उसको। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास बनाने के लिए हम एक कीवर्ड काम में लेते हैं, CLASS, क्लास। ठीक है, तो ये आपको रखना होगा, CLASS। ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में आएंगे सारे कैरेक्टर, CLASS, और स्पेलिंग भी ये की रहेगी। इसमें कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आएगी। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम रहेगा हेलो। तो हेलो बनाने के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड जो हमारा था वो हमने काम में लिया, क्लास। क्लास जो हमारा कीवर्ड है वो हमने काम में लिया, और हेलो है वो हमारी क्लास का नाम है। और ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये तो हो गया क्लास को डिफाइन करने के लिए पहली लाइन। उसके बाद में आता है कि हमारा जो क्लास के मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, पब्लिक होंगे, प्राइवेट होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, हम एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं। ये भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो पब्लिक का मतलब कोई भी चीज़ पब्लिक होती है, मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो बस है, सरकारी बस है, उसमें कोई भी आदमी बैठ कर ट्रेवल कर सकता है, ट्रेन है। ठीक है, तो जो भी पब्लिक होता है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट को सिर्फ वही क्लास के मेंबर एक्सेस करेंगे, प्रोटेक्टेड को वो क्लास और उसकी चाइल्ड क्लासेज। इसके बाद में आता है हमारा पहला वेरिएबल,
जो ई है इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और इसका नाम क्या है, रोल नंबर। ठीक है, तो इसको आप एट्रीब्यूट बोल दो किसी क्लास का, या फिर इसको यहाँ पर हम बोल देंगे प्रोग्रामिंग वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यू रहेगी, कोई स्टूडेंट है उसका रोल नंबर हम स्टोर करेंगे। इसके बाद में आता है स्टूडेंट का नेम, तो नेम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर देंगे, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए एग्जांपल में जो क्लास कीवर्ड है उसको हमने यूज किया है हेलो क्लास बनाने के लिए। पब्लिक जो कीवर्ड है उसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ये स्पेसिफाई करेगा कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में क्या क्या आ गए, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस, वो क्या उस क्लास के बाहर से भी एक्सेस किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, वो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर डिसाइड करेंगे। फिर क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया रोल नंबर, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, और दूसरा लिया हमने नेम, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्लास के एट्रीब्यूट कहलाएंगे, और क्लास को जहाँ एंड करना है वहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा और उसके बाद में सेमी कोलन आएगा। ये आपको जरूर याद रखना है, ये सेमी कोलन जरूर आएगा, क्लास एंड होगा वहाँ। अब एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लास बनानी होती है, तो क्लास हमने बना ही ली है हेलो, तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक नेम रखेंगे ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के नेम से पहले हमें क्लास का नेम लिखना होगा। जैसे कि हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और वेरिएबल के नेम से पहले हम क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का है ऑब्जेक्ट। क्लास को हमने क्या बताया है, क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो क्लास है वो अपने आप में एक डेटा टाइप है। तो क्लास का नेम हो गया डेटा टाइप, और फिर ऑब्जेक्ट का नेम हो गया एक वेरिएबल बन गया ऑब्जेक्ट, उसका क्लास का इंस्टेंस बन गया एक। और जब ऑब्जेक्ट के साथ में कोई उस क्लास का मेंबर हम चाहे फंक्शन हो चाहे वेरिएबल है उसको यूज़ करते हैं, तो डॉट सिंबल लगाते हैं। यहाँ हम इस एग्जाम्पल से इसको क्लियरली समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने OBJ1 है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास हेलो का। तो क्लास हेलो पब्लिक INT रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, ये तो हम देख चुके हैं पहले। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो INT मेन। यहाँ पर INT है वो क्या है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्लास का नेम ये गलत हो गया है, माई क्लास नहीं, हमने हेलो रखा था। जो भी आपका क्लास का नेम होगा वो आएगा यहाँ पर, हेलो ऑब्जेक्ट वन। फिर ऑब्जेक्ट वन डॉट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, तो रोल नंबर में हमने डाल दिया 25 और इसका नेम रख दिया राम सिंह। और सी आउट प्रिंट कराने के लिए तो ऑब्जेक्ट वन डॉट रोल नंबर और ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम रिटर्न 0, ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। 25 होगा रोल नंबर किसका, राम सिंह का। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने C++ में क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें उसके मेंबर्स हैं जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, इनका हमने एक बेसिक्स ओवरव्यू हमने देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और हम रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आगे की जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।